वेलकम बैक गाइस टू सिंग्स ऑफ फूड। आप मेरे पीछे देख रहे हैं मटुंगा ढाबेली की शॉप है। ये शॉप मटुंगा में ही है असल में। वो लिमिटेड और वैरायटी वाली ढाबेलीज है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो शॉप है। आओ हम आपको ढाबेली के प्राइस दिखाते हैं और ढाबेली की लिस्ट दिखाते हैं। वेरी लिमिटेड एडिशन है इनके पास। सादा ढाबेली, चीज़ ढाबेली, चीज़ गार्लिक पाव, चीज़ गार्लिक ढाबेली, चीज़ पाव विथ पीनट्स और ऑनियन। तो ये बना रहे हैं कच्छ मिसल अभी। ये जीरा टोस्ट है, ये जीरा टोस्ट डाला इन्होंने। ढाबेली का मसाला खाते किसके खाते? पाव खाते खाते नहीं, विदाउट पाव। सेव सेव करने का भाई चमची दे जाएंगे। कच्छ मिसल, कच्छी मिसल। सो दिस इज कच्छी मिसल। इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए, उन्होंने क्या क्या डाल दिए। सिंग डाले हैं, ढाबेली डाली है, सेव डाला है, गार्लिक चटनी डाली है, स्वीट चटनी डाली है। मुंबई में रह के पहली बार कच्छ की डिश खा रहे हैं, कच्ची मिसल। बहुत ही प्यारा डिश है। पूरा बटर जीरा टोस्ट का टेस्ट आ रहा है उसके अंदर अंदर। खाने में बहुत यूनिक है, बहुत अच्छी है। सही में यूनिक डिश है। यूनिक स्ट्रीट बोलो या यूनिक डिश बोलो, बात करेंगे। एक और यूनिक वीडियो आ गया हमारा, कच्ची मिसल। कच्ची मिसल आई डोंट थिंक हर जगह मिलता होगा, तो आपको एड्रेस का मिल जाएगा। ट्राई करो यहाँ पे ढाबेली, गार्लिक ढाबेली, कच्ची मिसल। मिसल बहुत खाते रहते हैं, पर दिस इज कच्ची मिसल। पाओ जिसको नहीं खाने का रहेगा तो विदाउट पाओ ट्राई कर सकता है। अभी काफ़ी लोग को ऐसा आप देखते रहेंगे जिसको पाओ की बाधा है, जो पाओ नहीं खा सकता। जो लोग पाओ नहीं खाते हैं उसके लिए कच्ची मिसल है। तो कच्ची मिसल का टेस्ट मैंने आपको बताया कैसे। अभी चीज़ गार्लिक को बाकी है, लेट्स गो। ये चीज़ गार्लिक क्या बात है, करने वाले जी? हाँ वहाँ चटनी आएगा। तो चीज गार्लिक ढाबेली का प्रिपरेशन देख सकते हैं। फुल अमूल बटर में गार्लिक का तड़का मार के ये पाव है, ये पेस्ट आएगा, फिर ये जाएगा इधर चीज गार्लिक ढाबेली में। ये चीज लिया उन्होंने, टवेट कर दिया। चीज़ गार्लिक ढाबेली और नॉर्मल ढाबेली में डिफरेंस क्या? चीज़ गार्लिक ढाबेली लहसुन पेस्ट आता है, लहसुन और चिली का चटनी, रेड चिली का, उसको अमूल में फ्राई करके फिर अमूल बटर में डाल के पूरा पाव का, पाव के अंदर पेस्ट आता है पूरा, और बीच में चीज़ डाल के फिर सब फिलिंग आता है। और नॉर्मल ढाबेली में, नॉर्मल ढाबेली में सादा गार्लिक का चटनी रहता है, सेम गार्लिक तो चटनी रहता ही है लेकिन वो सादा रहता है, फ्राई किया हुआ नहीं आता है। गार्लिक ढाबेली, लॉट्स ऑफ सिंग ढाबेली, गार्लिक की चटनी और ऊपर बटर। कितना बटर लगाया मैंने, वो भी अमूल का। फिलिंग भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि हाफ फिलिंग की है, फिलिंग भी अच्छी है कि बाहर गिर रहा है मसाला। तो चलो मैं अपनी ढाबेली की फर्स्ट बाइट लेता हूँ। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, मेरे से तो बोलने भी नहीं हो रहे।
हवेली का टेस्ट सब जगह एक ही जैसा होता है, आप किधर भी खाएंगे सब जगह हवेली एक ही जैसी होती है, बट यहाँ पर जो हवेली है इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बहुत ज़्यादा टेस्ट है। गार्लिक का फुल फ्लेवर आ रहा है, बटर का भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है। फाटकों में दही बल्ले हो गए, गुप्ता सैंडविच सेंटर, वो कैसे भूल गए हम लोग, गुप्ता सैंडविच सेंटर हमने शूट किया है। या वहाँ पर भी यूनिक आइटम ये है कि आपको सेफ पूरी के अंदर सैंडविच मिल जाएगा, उसका वीडियो का लिंक सैंडविच के अंदर सेफ पूरी मिल सैंडविच के अंदर सेफ पूरी मिल जाएगा, सुनने में अलग है ना, डिश भी अलग है, उसका वीडियो का लिंक भी अंदर नीचे दिया है, ज़रूर देखिए। सेफ पूरी सैंडविच एंड दही बल्ला एंड ऑल्सो हवेली इन माटुंगा, तीनों यूनिक वीडियोस है, ज़रूर देखिए। सो वी होप यू एंजॉयड अवर टुडेज वीडियो हवेली का, 15-20 मिनट वीडियो उड़ाया, ख़त्म किया, खाया और मज़ा आया। सो इसका एड्रेस हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एड्रेस के साथ में लिंक भी दे देंगे, आप गूगल मैप्स में देख के आ सकते हैं इजीली। सो वी एंजॉयड माटुंगा ढाबोली, वी होप आप भी यहाँ पर जल्दी आएंगे।